Hi, this is Ashish pushottam I will be taking your history section for the UPSC. So uh, basically, we will be discussing in this class the entire strategy and approach to the history for the UPSC. Fine. So let us start. Before going to the history for the UPSC, we need to understand what is the trend. Okay? We need to understand the ट्रेट्रेट समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी क्या पूछ रही है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो आपको समझ नहीं आएगा सो बेसिकली फर्स्ट वी विल सी कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है फाइन सो वेन आई टॉक अबाउट ट्रेंड्स आई हैव कंपाइल्ड अराउंड फोर्टी ईयर्स ऑफ द ट्रेंड फॉर द यूपीएससी एंटायर यूपीएससी एंटायर ग यूपीएससी इट इंक्लूड्स एंसियंट मिडाबल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर सो वेन वी टॉक अबाउट द ट्रेंड्स वट यू पी एस सी आस्क इन प्रिलिम्स एज वेल एज इन मैंस तो आपको सबसे समझना होगा कि कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक और कौन सा पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है सो यर वी कैन सी इन आवर बैकग्राउंड वॉट इज विजिबल दैट फर्स्ट मैंने एंसियंट लिखा है फाइन वी टॉक अबाउट ऑलमोस्ट इच ईयर देर आर टू टू थ्री क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम द एनशियंट पार्ट ऑफ द यूपीएससी फाइन नाउ कमिंग टू द मिडावल सेक्शन अगेन द ट्रेंड्स आर सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे आर आस्किंग टू टू थ्री क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द मिडावल एज वेल ठीक है दो से तीन क्वेश्चन आपको एनसीए से रहेगा और दो से तीन क्वेश्चन से रहेगा लार्जली इट इज बेस्ड आउट ऑफ द यूपीएससी फाइन नाउ कमिंग टू द मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप देखिए कि जो सर्कल है उसको मैंने इंटेंशनली बड़ा बनाया है वाइट इज सो बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द यूपीएससी फॉर द क्लेम्स एज वेल एज द मैं

You know or rules that are suggestive of the fact that UPSC type a question post here. Fine. Hope things are clear to you. Now, coming to the art and culture, that is very visible each year. UPSC is asking at least five to six question from this section. It can go one to two questions as well, or seven to eight question or nine question as well. Fine. Now, this was for the prelims. Fine. एक नया सेक्शन है दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट है जो बेसिकली मेंस ओरिएंटेड है फाइन ये मेंस ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछा था बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री विल हेल्प यू ओनली इन द मेंस फॉर एन एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल देता हूं ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स वी हैव है एज ए सब्जेक्ट फाइन इंटरनेशनल रिलेशन वेन वी टॉक अबाउट प्रिलिम्स आईर हर एक साल छः से तीन से दो चार क्वेश्चन हमेशा रहेंगे हमेशा रहेंगे छः सात भी हो सकता है टू थाउजेंड सिक्सटीन वहाँ पे ग्रेन से बहुत सारे क्वेश्चन थे यूपीएससी प्रलिम्स में फाइन सोटी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री यू वॉन्ट बी एबल टू कनेक्ट द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री एंड वॉट इज गोइंग इन इन द वर्ल्ड फाइन सो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट्स नॉट हेल्प यू ओनली इन द क्शन बट ऑल्सो इट गिवस यू क्लैरिटी ऑन द्वलेम से आप ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है इफ यूपीएससीज विशिंग दे कैन आस्क और दे आर स्किपिंग एज वेल सो देर इज नो फिक्स टेंड फॉर दर्ल्ड हिस्ट्री अकॉर्डिंगली वी विल अप्रोच आवर हिस्ट्री यू नो आवर वर्क और आवर स्टडी फॉर द हिस्ट्री गिविंग द प्रायोरिटी टू दी सब्जेक्ट फर्स्ट वी विल गिव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ठीक है सर्कल सबसे बड़ा मैंने इसलिए बना दिया इसको क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैटर होते हैं आप कर सकते हैं इजिली वंस वी अर डन विद मॉडर्न हिस्ट्री वी विल फोकस आवर इनर्जी टू द आर्ट एंड कल्चर बट बट अगैन यू पी एस सी इज ऑल अबाउट इंट्रिगेटिंग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट देर आर टू अप्रोचेज इन टू दिस नो आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ने का दो अप्रोच होगा एक आर्ट एंड कल्चर को आप स्पेशली पढ़िए फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट एंड कल्चर एनशियंट से मॉडर्न तक पढ़ रहे हैं सेपरेटली यू कैन डू इट बट देर इज सेकेंड अप्रोच दैट यू इंट्रग्रेट योर स्टडी ऑफ द आर्ट एंड कल्चर विद द एनसियंट और विद द मेडाबल और द विद द मॉडर्न इंडिया वाइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको बट मैं आपको लिंक करके बताता हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं एग्जाम्पल किसका है सिंपल सा लेट अस सापोज बुद्धिज्म यू आर स्टडिंग अबाउट द बुद्धिज्म इन द एंसियंट इंडिया सो वाई नॉट कवर द एंटायर आर्ट एंड कल्चर ऑफ द बुद्धिज्म वेल इन दैट फॉर एग्जाम्पल बुद्ध के अवतार और बुद्ध की मुद्राएं और एनीथिंग रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्ध ठीक है ना सेम गोज विद मिडावल में फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर स्टडिंग अबाउट दिस मुगल एम्पायर वील कवर ऑल आर्ट एंड कल्चर आस्पेक्ट ऑफ द मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत और एनीथिंग एल्स ठीक है सो वी विल ट्राई टू इंटरग्रेट अवर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट विद दिस टक्शन एन सी एन एंड द मिडावल इट विल मेक थिंग इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी फॉर यू पीपल एज ठीक है ना तो इसलिए मैं इसको इंट्रग्रेट करूंगा होप इट विल वर्क फॉर यू पीपल एज वेल फाइन सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इन द यूपीएससी एंड दिस इज बेसिकली फॉर द यूपीएससी प्रिलिम्स फाइन सो यूपीएससी अगेन आपको यदि पता होता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रही है यूपीएससी तो इट्स वेरी इजी टू स्टडी दैट सेक्शन ओनली एंड दैट टॉपिक ओनली एंड दैट सब्जेक्ट ओनली फाइन दैट्स वाई डूइंग ए ट्रेंड एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैल ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर का टेन ईयर का पूरा का पूरा आपके पास मैंने एक ग्राफ किया यू कैन सी

दिस इयर ओनली अगेन दिस इयर वेन वी टॉक अबाउट टू ट्वेंटी ट्वेंटी एन आर्ट एंड कल्चर टू क्वेश्चन दिसंटी ट्वेंटी कुछ चीजें ओवरलैपिंग हो सकती है फॉर एग्जाम्पल फ्यू पीपल कैन कंसिडर आर्ट एंड कल्चर पार्ट ऑफ द एंसियंट और मेडल और

फोर क्वेश्चन इन द एंड फोर क्वेश्चन इन द कल्चर बट कंट्रास्ट कहाँ आ गया 2018 में जहाँ पे देर वॉज नो क्वेश्चन फ्रॉम द इधर एंसियंट और मेडल बट देर वेर ऑलमोस्ट फोर्टीन क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया एट द सेम टाइम देर वेर ऑलमोस्ट एट क्वेश्चन फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर अगेन आपको लग रहा होगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल भी है यूपीएससी ज अनप्रडिक ओन वे और इसका ही मजा है मतलब इस एग्जाम को देने का ही मजा है एग्जाम में क्या आएगा ये यूपीएससी ही जानता है फाइनली ठीक है अगेन यहां पर कोई कुछ कर सकते हैं लेटर सपोज इफ सम्यू पार्ट ऑफ एनसियन एड आर्ट एंड कल्चर इट मे गोप एक दो क्वेश्चन वो डाल भी सकते हैं बट ऐसा क्वेश्चन नहीं है So, overall, you can see the screen. Trend is of the same fact that we have discussed in our first slide that modern India holds the weightage that is, Fine? and trend is almost similar. You can see this modern again in 2012-13 question they are asking from the modern India. And डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया पार्ट फॉलोड बाय एंशियंट एंड मेडाबल उसी में हमारा आर्ट एंड कल्चर होगा एंड लास्ट वी विल कवर वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज world history is also important because it helps you to understand better the other subject for example ir okay we will move to the next uh, point of discussion that is type of questions upsc is asking in the their exam of the civil services fine so basically we have divided for the sake of understanding there are three types of the question three types first is a factual question yes upsc asks factual question unlikely that hota that upsc generally asamana that anhi but yes if there a T, they will ask factual question as well we will see in while we were doing previous year questions fine they can ask question based on the facts and it is correct for the prelims as well as for the mains clear Now. विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट दैट कंसेप्चुअल टाइप ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी प्लेज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंसेप्चुअल क्लियरिटी ऑन दिस हिस्ट्री एंटायर बास्केट ऑफ द हिस्ट्रीज आर क्लियर टू यू यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल सिंपल सा दे रहा हूँ वाई क्रिप्स मिशन फेल्ड Until and unless you understand the background of the script's mission, you won't be able to, you know, uh, detect or how Government of India Act 1935 provides blueprint for the Indian Constitution. Until and unless the Government of India Act ka nitty is not clear to you, you won't be able to attempt that type of the question. Fine, and this is very important to develop a conceptual understanding. पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग में रहते हैं और गूगल में सब कुछ अवेलेबल है ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल बट 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 कंसेप्चुअल क्लियरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए यू विल है वेरी गुडरस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द

और अबाउट द अहोम डायनेस्टी और सुहेल देव और विजय नगर एम्पायर चोलाज नथिंग लाइक दैट यूपीएससी विल आस्क यू क्वेश्चन आउट ऑफ ब्लू ऐसा कुछ भी नहीं होता यदि यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछ रही है लॉजिक बिहाइंडन दे आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन आउट ऑफ के ऐसे चलो ठीक है पूछ दिया क्वेश्चन नहीं होता याद कीजिए इफ यू आर गिविंग ए गुड यू नो आई टू द करेंट अफेयर्स डेवलपमेंट रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड सुहेल देव का प्रतिमा इन यूपी इन प्रेजेंस ऑफ द योगी आदित्यनाथ बेसिकली पीएम वाज वर्चुअली प्रेजेंटेड एट दैट प्लेस ठीक है सो so, सुहेल देव एक नाम फ्लोट होता है फाइन यूपीएससी विल ऑलवेज कीप ए आई ऑन दैट कि ये कौन था क्या है कैसे है उसके ऊपर पी में भी आया होगा दे आर लाइकली चांसेज दैट यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस सन और पर्सनैलिटी ऑफ द एनसी नॉट ओनली दैट फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक मूवी आई है ऑन द सरदार ऊधम सिंह ठीक है ऊधम सिंह एक बहुत अच्छी मूवी है यू शुड ऑल्सो वॉच ऑल दीज काइंड ऑफ मूवीजरफुल मूवी फाइन सो बेसिकली इट्स मूवी बट कंसेप्ट कहा से लिया गया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिलिटेंट नेशनलिज्म मिलिटेंट नेशनलिज्म का एक करैक्टर है सरदार उधम सिंह जिसके ऊपर एक मूवी बनी है एंड वेरी मैटर ऑफ डिबेट एज वेल इन द नॉट ओनली इंडिया इन द वर्ल्ड सीनारियो एज वेल बिकॉज ब्रिटिशर्स हैव ऑब्जेक्टेड अपॉन फ्यू सीन ऑफ दिस मूवी देर आर लाइकली चांसेज दैट देस इट मीन यू पी एस सी विस्ट क्वेश्चन इधर डायरेक्टली फ्राम द ऊधम सिंह और इनडायरेक्टली फ्राम द मिलिटेंट नेशनलिज्म और देर कंट्रीब्यूशन इन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगैन ये है क्वेश्चन किस चीज का एंसियंट और मतलब क्वेश्चन हिस्ट्री का बट बट कंटेक्सट क्या है करेंट अफेयर्स बिकॉज मूवी बेस्ड आउट ऑफ ऑफ उधम सिंह एंड उधम सिंह इज ए नेगलेक्क लार्जली उसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ते नहीं है जनरली किताबों में बहुत एक छोटी दो लाइन लिखी हुई है तीन लाइन लिखी हुई है सो दे आर लाइकली चांसेज दैट यूपीएससी विल

advent of the european and third how britishers were able to replace the mughal empire largely thing topic and we will discuss on this thing take generally UPSC is asking at least one or two questions in the prelims means maybe they can ask question from this topic so very important topic fine now what is the second topic second topic is the britishers and their policies so again very important topic once Britishers replace Mughal, unki policies kya thi? Policies when we talk about the policies, economic policies kya Agriculture policies kya Military policies unki kya We we'll have to discuss, and up it is off late we have uh, you know observing a trend that they are asking a lot of questions from the policies of the British government. For example, how British government ruined Indian agriculture, or how British government ruined Indian handicraft industry. What was the drain theory? Koti, the type question they are asking in the prelims as well as in the mains. Fine. Now, the third topic is revolts and the movements. When we talk about the revolts, we will start from the 1857 major revolt up to 1947 Telangana movement. There are a tribe movement, there are और इसको कैप्स में डाल दिया है This is the most important topic of the modern Indian history, and each year you can see UPS is asking at least four or five questions out of this topic. Fine, so four or five questions, sif or sif, this topic we will discuss it in length or a so that we are able to cater most of the questions from this subtopic. Fine, next, that is important governor generals and the of the British Empire. Again, there are two ways to study history. फर्स्ट कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल दर इज फॉल ऑफ द मुगल्स दर इज एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस एंड दिस दैट सेकेंड इज वेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न इंडिया वी कैन स्टडी हिस्ट्री इधर बाय द क्रोनोलॉजी मीन्स एटी हंड्रेड एट्टी फाइव में कांग्रेस बनती है ठीक है फिर एटीन नाइनटी टू में कॉन्सिल एक्ट आता है वन नाइन जीरो फाइव में पार्टीशन ऑफ द बंगाल होता है एंड सो एंड सो एंड फाइन दिस इज द फर्स्ट अप्रोच सेकेंड अप्रोच टू स्टडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज वाय गवर्नर जनरल ठीक है गवर्नर जनरल्स के वाय भी हम लोग हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइस राय से लास्ट गवर्नर जनरल एंड वाइस राय के रिजीम में जो जो चेंजेस हुई हैं जो जो डेवलपमेंट वी कैन स्टडी हिस्ट्री बाई दिस वे एज वेल सो दिस इज Uh, again, an important topic and UPSC ask one or two questions from these subtopics. For example, they can ask that what was the role of the Lord Cornwallis or Cornwallis or what was the role of the subsidiary alliance or what was the uh, uh, role of the Warren Hastings and how, uh, let us suppose, Curzon, you know, divided this Bengal. They can ask any question, be it prelims or be it mens. Okay? Last but not the least, they ask question from the important personalities. I we just discussed it. Try to recall it. Sardar Udham Singh. So, if there is a movie based out of the Sardar Udham Singh, there are likely chances that UPSC may ask question: Who was the Sardar Udham Singh, or what he did, and what was his contribution towards the Indian freedom struggle, or what was the trigger of Jallianwala Bagh, and how General Dyer was, you know, involved in that. They can ask question. Not only that.

वट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा रोम राम मोहन राय और वट वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दयानंद सरस्वती और फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन दे वेर एसोसिएटेड और किस किस ऑर्गेनाइजेशन से उनका एसोसिएशन था एनी बेसेंट और फ्रॉम एनी सच नंबर ऑफ द पर्सनैलिटी सो विल गिव ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फाइन नो दिज आर देर आर अदर टॉपिकॉपिक नंबर सेवन एंड एट दैट इज

know role of the partition on the indian subcontinent they can ask any type of the question from this topic not only that they can ask question from the post independence part as well fine for an example unification of the uh, you know princely state or integration of the princely state into the government of uh, you know uh, in the in the uh, india or they can ask question for example in the constitutional development as well they largely call into the history section so what we have seen that we have to cover these eight major topics, and I have divided this uh, based on their you know importance. And most important is this Indian national movement that we will discuss. Both good Fine. So let us move to the next slide. That is very important, and that is about this reference book to be referred or to be. हमें जो देखना चाहिए फॉर द यूपीएससी परपज फाइन सो बेसिकली थ्री थ्री टाइप्स ऑफ ऑफ द द बुक्स और टाइप अप्रोच यू शुड फॉलो फर्स्ट इज द बेसिक बुक इज द एकेडमिक बुक एंड थर्ड इज द गाइड बुक ठीक है ना आई विल डिस्कस कि क्या तीनों में डिफरेंस होता है आपको क्या क्या प्रेफर करना है और कौन कौन से बुक्स को रेफर करना है फाइन सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मार्ड इज दर इज क्राइसिस ऑफ यू नो प्लैंटी इतनी सारे आपके पास रिसोर्सेस हैं इंटरनेट पे रिसोर्सेस अवेलेबल हैंड सोल पर्पज है टू क्रैक दिस एग्जाम वील है आपको समझना होगा कि कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट एंड एंड दी इंपॉर्टेंट कोड आई ऑफन कोर्ट

पढ़ते जाने पढ़ने दर इज नो इंड ऑफ यू नो स्टडिंग मॉडर्न इंडिया इट सेल्फ यू कैन डू पी एच डी ऑन द मॉडर्न इंडिया नॉटली मॉडर्न इंडिया की क्या यू कैन पी एच डी कैन डू पी एच डी इवन ऑन सिंगल टॉपिक करते हैं लोग आई एन ए पे यू कैन डू पी एच डी देर आर लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर दैट बट वी आर नॉट सपोज टू डू पी एच डी सिविल सर्विस इज मोर अबाउट जर्नलिस्ट नेचर ठीक है ना उनका नेचर ही क्या है जर्नलिस्ट वाला होगा तो विल हैव टू नेरो डाउन योर अप्रोच इमोशनल नहीं होना है किसी बुक के साथ किसी टॉपिक के साथ किसी भी चीज़ के साथ अपना अल्टीमेट

Again, we have divided this thing into the four subsections, that is, ancient, medieval, art and culture, and the modern. So, for the ancient, it is suggested to buy a book written by the R. S. Sharma. Again, it's NCERT an book. Don't go for other, another guidebook. So, more than sufficient to cater this, you know, UPSC exam. For medieval, I will suggest Satish Chandra. For the culture, Introduction to Indian Art, Part One of the Class 11. Is

मेंटल कैलिवर के ऊपर लिखी हुई है फाइन और ट्वेल्थ क्लास की जो लिखी हुई है ट्वेल्थ क्लास के मेंटल कैलिवर के ऊपर अगेन वी आर गोइंग फॉर द यू पी एस सी फाइन सो इट इज सजेस्टेड टू स्टडी ओनली हाइयर क्लास का एन सी आर टी फॉर एक्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग अबाउट दिस मॉडर्न इंडिया ओनली गो टू द क्लास ट्वेल्थ का जो एन सी आर टी नॉट नीडेड और फॉर इफ यू आर गोइंग फॉर द कल्चर पार्ट ओनली गो टू द्लास एलेवन्थ का इंट्रोडक्शन टू द इंडियन एंड कल्चर नो अदर बुक लाइक आपको फर्स्ट क्लासेज और थर्ड क्लास से नहीं पढ़ना है बिकॉज दर इज नो पॉइंट ना हर एक बुक को पढ़ना टाइम भी नहीं है एनर्जी भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है अकेडमिक बुक्स इट सिंपली मीन्स की किसी एक ऑथर के द्वारा जो वेल well स्टेब्लिश उनके द्वारा लिखी गई है एंड दैट हेल्प यू टू यू नो डाइवर्स डायवर्सिफाई योर नॉलेज बेस इसमें आई सजेस्ट द

जली रूमर टू बी है लेफ्ट ओरिएटेड आइडियोलॉजी लेफ्ट राइट का डिबेट चलते रहता है एंड वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस दैट अभी के टाइम में सो प्लस उपार्टिशन मोर बैलेंसड बुक यहाँ पे उन्होंने बैलेंस करके हर एक चीज को लिखा है और बहुत ही अकेडमिक बुक है बट द लैंग्वेज इज बेट डिफिकल्ट लैंग्वेज थोड़ा सा अकेडमिक है यू विंड फ्यू वर्ड यू नो एलियन वर्ड्स यूल एक्साम्पल जेटिशेंड एंड ऑल फाइंड सम एलियन वर्ड बट यूल दिस आपको एक डिक्शनरी या कुछ रखना पड़ेगा साथ में इन टू डेवलप ए बेटर बेस्ट बुक एंड आई बुक रिटन बाई लाइक सुमित सरकार का बुक यू कैन रेफर एनी बुक बट डोंट गो फॉर ऑफ बुक ए बुक कलेक्टर लिमिटेड स्टडी रिविजन इज द की लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड रिविजन दैट इज बेस्ट स्टडी बेस्ट अप्रोच टू को लिमिटेड रखना है ना हम लोगों के टाइम में कुंजी होती थी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ही फेमस होती है कुंजी सो गाइड बुक इज बेसिकली कुंजी एंड स्पेक्ट्रम इज वन ऑफ द वेल स्टेबलिस्ड और मार्केट में सबको बताया ठीक है स्पेक्ट्रम सब लोग खरीदते हैं मना सब लोग करते हैं मत खरीदो बट खरीदते सब लोग क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है बाय दिस बुक एज वेल बट डोंट रीड दिस बुक यानी कि स्पेक्ट्रम पेज बाय पेज नो नीड जस्ट रीड अबाउट द समरी ऑफ दिस बुक वेल रिटर्न वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट विल सफाइस यूर नीड इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एकेडमिक बुक और इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द दैट विल सफाइस यूर नीड नो नीड टू रीड दिस बुक फ्रॉम द पेज टू पेज और वर्ड टू वर्ड नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है सो दीज आर लिस्ट ऑफ द बुक्स आई रिकमेंड यू टू बाय और मैनेज एट योर लेवल यू कैन बाय इट डिजिटली माई अप्रोच वाइल डीलिंग विथ आवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट और हिस्ट्री पार्ट इन जनरल इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री सो माई अप्रोच शैल बी टू स्टडी हिस्ट्री इन इंटीग्रेटेड वे दैट विल कवर मुगल एम्पायर रीजन बिहाइंड होगा एंड कैसे कैसे क्रनोलॉजी हुआ वो हम पढ़ेंगे और इफ यू आर स्टडिंग अबाउट दिस फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल वट इज द F factors or what are the pre Congress organisation responsible for the form formation of the Congress and how Congress helped into uh, you know achieving our Indian freedom struggle. Fine. So our study will be integrated based on the prelims as well as the mains. Now we'll study about the characters as well as chronologies. Fine. When we talk about the character, we'll discuss for an example what was the role of. सरदार पटेल ठीक है एंड वी वेन वी टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी विल स्टडी हाउ एंड इन विच इयर इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट टूक प्लेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम और ड्यूरिंग दार्टिशन ऑफ द इंडिया फाइन और इफ यू आर स्टडिंग अबाउट दिस महात्मा गांधी विल स्टडी कि महात्मा गांधी कौन थे फॉलोड बाय हिज मेन कैंपेन और हिज मैन न कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टिंग फ्रॉम द चंपारण सत्याग्रह अप टू द नोखली राइट्स फाइन सो वील स्टडी अबाउट दिस हम लोग हमेशा हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी को करेक्टर के साथ इंटरग्रेट करके ही पढ़ते हैं इफ यू आर स्टडिंग ओनली अबाउट द करेक्टर्स यू आर मोस्ट लाइकली टू मिस दिस एग्जाम और इफ यू आर ओनली रीडिंग अबाउट दिस क्रोनोलॉजी यू आर मोस्ट लाइकली टू मीट द मार्क्स ठीक है ना सो वील है Study about the chronology as well as the characters in the history. Now, as we have gone through the uh, uh, dimensions of the UPSC question, we we'll have we have discussed that they are asking question from concept and from the fact as well. So, we'll be giving due emphasis to the concept or clarity of the concept without compromising upon the factual aspect of any topic. Take if we are discussing about the Bardoli Satyagraha, we will discuss when it started. We'll discuss who was the leader of the Bardoli Satyagraha, and we will discuss why it started, who and how. Part of the factual and what was the impact is a part of the conceptual clarity of any topic. Fine. So that will be our approach. And last but not the least, we will discuss previous year question. This is the best guide uh, and it's a guiding light for You people, if we are right, going into the right direction or not, and in this, we will discuss prelims as well as main question at the end of any topic. Fine, once we are done with any topic, for example, if you are done with the introduction of the history, we will discuss about this uh, previous year question asked from this topic, or for an example, if you are reading about the fall of the Mughal Empire or decline of the Mughal Empire, we will study.

either from the prelims or in the mains most likely that you are into the right direction 20 percent 50 percent deviation is the UPS is unpredictable in its own way fine so that shall be our approach to the history fine so I, I hope uh, you got to understand about uh, you know most of the aspect that we will be dealing so very important that उसके लिए हमें जाना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो वेरी इंपॉर्टेंट वी विल भी यू नो कहीं पर जाके कहीं पर भी टिक जाते हैं सो देट सेल वी द एंटायर अप्रोच टू दिस्ट्री एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया यू नो इनकम लेक्चर्स आई होप यू गॉट ए क्लैरिटी अबाउट ऑल द थिंग्स इन केस ऑफ एनी इशू यू कैन कंटेक्ट एट अवर एनी सोशल मीडिया हैंडल वी विल बी हैप्पी टू रू ग कीप लर्निंग कीप वॉचिंग ए क्यू वाई एस थैंक यू this is asri signing off